अभी इसको हम थोड़ा सा और बेहतर करेंगे इसी रेड इंक से। कभी कभार ये होता है कि मैं हर तरह की इंक से काम करता हूँ, मैं येलो से भी करता हूँ, गोल्डन से भी करता हूँ, वाइट से भी करता हूँ, लाइट ग्रे से भी करता हूँ, रेड से भी करता हूँ, आप किसी भी इंक से काम कर सकते हो। असल मकसद क्या है कि आपकी चीज़ अच्छी से अच्छी होती चली जाए। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इस वक्त मुझे कि मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ और इसको, ये थोड़ा छोटा, ये ऊपर से आनी थी। अच्छा, और मुझे अलीफ जो है वो थोड़ा सा, अलीफ मेरा सही है लेकिन ये मिन जो है ये इसको यहाँ से लेके आना है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बेहतर होगा। और आसन तक वो मैं थोड़ा नीचे करूँगा। ये जो सारा तरीका है इसमें अभी हमने करना क्या है कि बहुत ज़्यादा इसकी खताती पे ध्यान नहीं देना है, अभी इसकी शक्ल निकल के आ जाए बिल्कुल उस्ताद के किए हुए लोहे के मुताबिक। वो जो कालिब उस्ताद ने बनाया हुआ है ये सारा, हमें पहले इसके मुताबिक करना है इसको। उसका तरीका ये सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा लफ्ज़ों को हम बेहतर करते हुए चलेंगे ताकि हमारे अल्फाज अच्छे से अच्छे बने, मतलब सही तरह से सेट हों इसमें। अच्छा, अलीफ जो है वो हमें, अच्छा अब ये जो मीम हमें यहाँ से शुरू करना है, ये देखना है कि हमें नुक्ते पहले आ जाएं। तो अब हम यहाँ पर नुक्तों को लगा देंगे सबसे पहले, क्योंकि नुक्तों के लिए जगह जो है वो हमने बनाना है असल में। अच्छा, अब आप देखें कि ये अब बिल्कुल सही यहाँ पर आया है, ये पहले ऊपर हो गया था। यही काम दो पेंसिलों से ड्राइंग करते वक्त भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह तरीके में लुत्फ बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है ये इस तरह से काम करने में। तो ये तरीका जो है ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ये और इसी तरह से काम करना चाहिए आमतौर से खत्तातों को। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है किस तरह से काम करना जो है वो पसंद करेंगे। इलाही हमारा ये यहाँ से आना चाहिए। नजर सही आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि यकीनन उस्ताद हलीम ने इसको जो बड़ा किया है, ये जब असली अगर लिखा होगा या असली लिखेंगे अगर उसके बाद, तो ये जोड़ ज़रा सा बड़ा हो गया है ये। अब उन्होंने जो बड़ा किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गलत किया है,
उन्होंने इसको देखा होगा कि अगर हम इसको बड़ा, क्योंकि बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये जब बड़ा करने के बाद उन्होंने नोट किया होगा कि ये हिस्सा ज़्यादा खुला हुआ लग रहा है, तो वापस इसको छोटा करके और आगे बे बनाई होगी, क्योंकि ये हिस्सा हम तब ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं कि जब हमारे पास जगह तंग पड़ रही हो, या कोई अल्फाज लफ कोई ऐसा हर्फ हो कि जो इसके लिए हमें ज़्यादा खोलना पड़े। ये जगह ऐसी है जो अलिफ के लिए, कि इसके लिए ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लोहा जो है उस्ताद सामी का है, ये इसको आप देखें, ये है इसकी असल शक्ल। यहाँ बस पीछे आप सीन जीम का वो सर दे दें, आसंता का, तो ये पूरा फिर वो सीन और वही आसंता का नून और ये ता, तो कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। और उस्ताद ने दरअसल ऐसा खोला है, लेकिन मुझे जो है वो मेरा जो जाती गुमान है, मेरे जो जाती राय है, वो ये है कि ये बाद में इन्होंने कम किया होगा इसको, तो मैं चूंकि इसी हिसाब से इसको लूंगा। मैं बज़ाहिर देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बड़ा ही कोई ऐसा तरीका है, बहुत ही ख़राब सा, और इतना खचर पचर करके, और इतना इसको एक दूसरे पे चढ़ा करके, ज़रूरत क्या है, हर दफ़ा जो है वो सही तरह से सफाई सुथराई से लिखा जाए। कुछ काम के तरीके होते हैं, उन्हीं से काम सबसे बेहतर से बेहतर होता है। वो उसमें एक तरीका ये भी है कि आप एक ही जगह पर रहते हुए 4-6 मरतबा लिखें, आप उसी को बेहतर करें, उसके बाद जो शक्ल निकलेगी वो एक अच्छी शक्ल होगी। मैं यहाँ पर जो है नुक्तों को सीधा कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो जगह उस्ताद हलीम ने बनाई है ना, इसकी वजह है, इसकी ये खड़े नुक्ते लगाए हैं ना, ये ऐसे यूँ खड़े नुक्ते, तो ये जो अलीफ का जो खड़ा एक तासुर है, जो हमें बिल्कुल यूँ यूँ नज़र आ रहा है, ये उस तासुर को, क्योंकि यहाँ पर अलीफ आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर कोई ऐसी लंबी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से, तो उसके वजह से उस्ताद हलीम ने इसको नुक्तों को इस तरह से लगाया है। उनकी अपनी निगाह के हिसाब से बहुत खूबसूरत है ये, तो मैं अपने तौर पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज करके वापस इस हालत में लिखूँगा। ये नहीं कि मैं कोई उनकी गलती दुरुस्त कर रहा हूँ, या मैं उनको कोई गलती गलती कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक मिजाज है। मैं और असातिज़ा ऐसा किया करते थे कि उस्ताद मुस्तफ़ा राकिम ने जैसे एक लोहा नकल किया, एक चीज़ लिखी, और उसको उस्ताद अमीन ने अगर नकल किया तो अपने अंदाज में नकल किया, थोड़ा सा तब्दील भी किया नुक्तों को, तश्कीलात को। उस्ताद नज़ीफ़ ने उस्ताद सामी का कोई अगर लोहा नकल किया तो उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो तब्दील किया कहीं कहीं। तो ये तब्दील करने का मकसद ये नहीं होता कि पहले वाले उस्ताद ने कोई गलती की थी, बल्कि तब्दील करने का मकसद ये होता है कि अगर थोड़ा सा यूं करके भी देख लिया जाए तो एक ये चीज़ भी सामने आ जाए कि ये इस तरह से अगर था तो इस तरह से भी कैसा लगेगा। बाज़ औक़ात एक चीज़ 2-3 तरह से भी अच्छी लग रही होती है, तो वो सामने अगर सामने आ जाए तो कोई ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है। और चूंकि पीछे असातिज़ा ने किया है ये, और एक अच्छी रिवायत है, कोई इसमें ऐसी काबिले एतराज़ चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो है मैं भी इसको कर रहा हूँ। अच्छा, ये मीन जो है मुझसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं।